पुरानों से फायदा नहीं है ना कंपनी को, तो आप क्या करेंगे? वो वैसे भी पुरानी चीज को तो फेंक देते हैं ना, गाड़ी भी अगर पुरानी होती है ना तो ये लोग बोलता है पुरानी गाड़ी है, नई गाड़ी लेके आओ, चलेगी नहीं। तो आप तो बिल्कुल सही हो, कंपनी बोल रही है कि आप पुराने हो चुके हो, बूढ़े हो चुके हो, आप काम करने लायक नहीं हो। क्यों? ये कंपनी डिसाइड करेंगी कि हमें कितनी एज में काम करना और कितनी में नहीं करना है। ये तो हमारा हक है ना कि हम कितने दिन तक काम करेंगे, कैसे करेंगे। बिल्कुल कंपनी को खड़ा हमने किया है, एमएनसी कंपनियां आके हमारे देश पर राज कर रही हैं। आज से 200 साल पहले अंग्रेजों ने राज किया, तब ये लोग आके राज कर रहे हैं हमारे देश के भविष्य पे। 18 साल से के 35 साल के वर्कर लेते हैं, क्यों? क्या उससे ऊपर का वर्कर काम करने के योग्य नहीं है? क्या उसके हाथ पैर नहीं है? क्या वो मेहनत नहीं कर सकता? नहीं, क्योंकि उन लोगों से वो ज्यादा काम करा सकते हैं। इसीलिए उन्हें बहुत मतलब ऐसा लगता है कि थोड़ा अगर जिसकी एज ज्यादा होगी वो काम नहीं कर पाएगा। इस तरीके की समस्याएं हैं ये सारी कंपनियां। लेकिन जब तक हम संगठित नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। इसलिए हम लोगों को संगठित होना होगा, एक साथ लड़ना होगा, और हम लड़ेंगे तो जरूर जीतेंगे। भले ही निर्माण मजदूर के लिए 10 साल बाद बोर्ड बना, लेकिन बना ना। कभी गिग वर्कर के लिए भी हम लोगों को लड़ाई लड़ते हुए सालों बीत गए, हमारी पुश्तें चली गई, लेकिन राजस्थान एक पहला राज्य है जिसमें गिग वर्कर के लिए बोर्ड बन रहा है। और ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, पहला राज्य है यहाँ बन रहा है तो पूरे हिंदुस्तान में बोर्ड बनेगा, और हम लोग ये बोर्ड बनवाएंगे और अपनी मांगों को रखेंगे। तो ये जो उन्होंने रखा है कि सामाजिक सुरक्षा ये सब हमको लेनी होंगी, लेनी नहीं छीननी होंगी। जब तक हम छीनेंगे नहीं ये छीनेंगे। तो इसी बात को मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। वर्कर एकता, मजदूर एकता, हम सब की लड़ाई, हम सब की ताकत, हम सब की ताकत जिंदाबाद, हम सब की ताकत जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।